हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो बहुत दिन बाद फाइनली मैं सोची मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दो साल मेरा जुलाई में दो साल होने वाला है 2022 में मेरी ज्वाइनिंग थी इंडियन बैंक में और फिर 2024 की जुलाई को जो है उसमें मेरा दो साल होने वाला है सो so, इस दो साल में मेरा जॉब जो है उसमें जाननी कैसा रहा और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या रहा ड्यूटीज़ क्या रहे और मुझे क्या क्या करना पड़ता है सो so गाइज मैं पहले ही बता दूँ आई बी क्लरिकल में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 2022 में उसके साथ और दो तीन एग्ज़ाम क्लियर हुए थे लेकिन मैं बैंक में रहना पसंद की हूँ और मैं बैंक में अपना दो साल से मतलब अपना जो ड्यूटीज़ से वो निभा रही हूँ तो बैंक में बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेगा ये बोल के कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बट इफ़ यू इन्जॉय वट आर यू डूइंग देन इट इज़ नॉट आई थिंक मैटर ऑफ प्रेशर ओके सो मैं कभी प्रेशर फील नहीं की बैंक में uh, मुझे बहुत अच्छा लगा जब जहाँ तक जिस तक मैं काम करती हूँ मुझे बहुत प्लेजर मिलती है क्योंकि उसमें कस्टमर डीलिंग होता है और कस्टमर डीलिंग में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते आप कभी भी जाओ कोई भी काम आपको अकेले करना पड़ रहा है तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग चीज़ आ सकते लेकिन एक बैंक में अगर आप फ्रंट डेस्क में बैठे हो तो कई तरह के लोग आते हैं और वो सारे लोगों को डील करना ये एक चैलेंजेस होता है और मैं खुशी खुशी ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि जो जैसा है उसके साथ वैसे डील किया जाए लेकिन वो बात नहीं तो मैं जो बोल रही थी कि जब मेरे साथ जो लोग जॉइन किए थे वो सारे कैश काउंटर में चले गए ठीक है लेकिन मेरे ब्रांच में ऑलरेडी कैश काउंटर में कैशियर थे तो मुझे जो पोस्ट मिला था वो एस डब्ल्यू ओ ए यानी कि मुझे एस डब्ल्यू बी के अलाउंस नहीं मिलते थे और ना ही हेड कैशियर के अलाउंस मिलते थे ठीक है लेकिन मैं लकी हूँ मुझे पब्लिक डीलिंग करने का मौका मिला मुझे नए नए चीज़ सीखने का मौका मिला और बस मुझे तो करियर बैंकिंग में ही बनानी है बैंक में ही बनानी है तो मैं इससे खुद को बहुत लकी समझ रही हूँ कि मुझे एलेवेंस चाहे भले ही ना मिले लेकिन मुझे काम सीखने का मौका मिल गया ओके तो मैं फ्रंट डेस्क में बैठती हूँ और मेरा पहला काम होता है कस्टमर डीलिंग मतलब कस्टमर मेरे ही पास आते हैं और मैं ही बैंक को रिप्रेजेंट कर लेती हूँ मतलब उन लोगों के लिए मैं ही हूँ अगर कुछ सुनाना भी है तो मुझे ही सुनाते हैं और अगर थैंक यू भी बोलना है तो मुझे ही बोलते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि कस्टमर को अच्छे से अच्छे बेहतरीन सा सर्विस दिया जाए ठीक है तो मुझे जो इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है ठीक है ऐसा नहीं कि कस्टमर गाली नहीं देते कस्टमर गाली भी देते अगर उनका काम नहीं हो रहा है और हम लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ सिस्टम्स होता है और सिस्टम्स हमको अलाउ नहीं करते हम लोगों तो उसमें थोड़ा सा अगर उनका काम डिले हो जाता है तो वो लोग आप खुद भी उनके तरह खुद को उनके जगह पे रख के देखोगे तो आपको भी गुस्सा आएंगे ठीक है वो बात नहीं है वो एक्सेप्शनल होता है कुछ एक्सेप्शन केसेस होता है लेकिन मेरा जो टॉपिक है उसमें आते हैं कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या रहा तो मैं इसमें सारे काम करती हूँ लोन को छोड़ के लोन का कोई काम हम लोग नहीं करते लेकिन अगर आप इस बाई टाइप देखेंगे तो आप भी ऑथोराइज है कि आप लोन के काम कर सकते हैं ठीक है तो कोई बात नहीं अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तो मैं बता दूँ मेरी सबसे पहले जो बैंक का अकाउंट खोलने आता है वो अकाउंट हम खोलते कभी कभी टैब से अकाउंट खोल देते और कभी कभी सिस्टम से ऑफलाइन भी खोल देते ठीक है अकाउंट क्लोज बोला जाए तो वो अकाउंट क्लोज भी हम ही करते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को थोड़ा समझाने की कि आप अकाउंट क्लोज ना करें इससे क्या होता है कि डिपॉजिट बढ़ाना जैसा हम लोगों का काम होता है वैसे ही अगर जो ऑलरेडी डिपॉजिट है उसे भी कहीं जाने ना देना वो भी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस दिया जाए जो अकाउंट क्लोज करने आते हैं और अगर वो बोलते हैं कि मेरा कहीं दूर ट्रांसफ़र हो रहे या फिर मैं शिफ्ट करने वाली हूँ मेरा अकाउंट को क्लोज कर दीजिए तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं बोलिए है, हम उधर नियरेस्ट ब्रांच नेट पर सर्च कर लेते और हम उनको समझा देते कि हम अकाउंट आपका तुरंत ट्रांसफ़र कर देते थे तो दो मिनट लगते हैं ट्रांसफ़र करने में तो क्या होता है ना इसमें अकाउंट बैंक में ही रह गया और डिपॉजिट भी दूसरे बैंक में नहीं गया ठीक है तो ये हम करते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अकाउंट क्लोज ना किया जाए लेकिन ये भी अगर कोई कर रहा है तो अगर कोई बंदा डिटरमाइन है कि क्लोज करेगा तो उसको तो क्लोज करना ही पड़ेगा तो ये काम भी मेरे ही आ, जो है मेरे ही ऊपर आता है ठीक है अब दूसरा होता है एन हम सब लोग जानते हैं कि दो लाख जब होते हैं तब तक हम एन करते एन हम करते दो लाख से ऊपर कोई भी फंड ट्रांसफर होता है तो उसको आर टी कर देते हैं ठीक है हो गया अब यही काम करते हैं लेकिन पासबुक अपडेट करते हैं जो कि बैंक का मेन फंक्शन है ठीक है आप चाहे कुछ भी पढ़ लो बैंक का मेन फंक्शन ये है वो है लेकिन अगर किसी कस्टमर को आप अगर, अगर आप पासबुक अपडेट नहीं करके देते हो तो उससे बहुत बड़ा बवाल हो सकते ठीक है तो आपका बहुत अच्छा काम होता है कि आप पासबुक अपडेट कर दो कस्टमर खुश हो जाता है कुछ भी वो अपना प्रॉब्लम भूल जाता है अगर आप उससे बोले कि हम पासबुक बस आपको अपडेट कर दे रहे हैं आपको क्यों में लाइन की जरूरत देने लाइन देने की ज़रूरत नहीं है सो एनई एफ टी हो गया आरटीजीएस हो गया अकाउंट ओपन हो गया अकाउंट क्लोज हो गया फिर आते हैं दूसरा क्या काम करना पड़ता है तो ऑपरेशन में जो भी काम होता है वो करना पड़ता है जितना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं जैसे ए टी एम करना होता है ए टी एम इशू में दो तरह के ए टी एम होते हैं एक होता है पर्सनलाइज ए टी एम और एक होता है इंस्टेंट ए टी एम तो हम कोशिश करते हैं जो लोग बोलते हैं पर्सनल अगर एटीएम करना है तो वो सात दिन में कस्टमर के बाय पोस्ट उसके घर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड एड्रेस पे चले जाते हैं लेकिन जो लोग चाहते कि मुझे कहीं जाना है मुझे इंस्टेंट चाहिए तो उन लोगों के लिए हम लोग इंस्टेंट एटीएम टी कर देते हो गया चेक हम इंस्टेंट नहीं इशू करते ये हम बोलते हैं कि सर आप मैम आप जो भी है एप्लीकेशन दे के जाइए सात दिन बाद आपके घर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा आपका जो भी रजिस्टर्ड पास रजिस्टर्ड एड्रेस है उसमें पहुँच जाएगा हो गया आपका चेकबुक और ए कार्ड अप्लाई उसके बाद आते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट आप जानते हैं कि सपोज कीजिए कोई दो साल से तीन साल से अकाउंट यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे है मतलब क्रेडिट और डेबिट नहीं हो रहा है उस अकाउंट से तो इस वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाते हैं तो वो आते हैं उनको याद आते हैं कि अरे मेरी तो ये अकाउंट है कुछ कुछ लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होते हैं प्रॉब्लम्स होता है तो वो नहीं आ पाते लेकिन जब वो आते हैं तो उसको एक्टिव करना एक्टिवेट करना वो भी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं मतलब हम लोगों का ड्यूटीज़ में आ जाते हैं तो हम उनसे आधार पैन ले लेते ले हैं एक के का फॉर्म जिसमें ड्यूली साइन किया हुआ होता है कस्टमर का और इसमें एक फ़ोटोज होता है फिर आधार से ओ के माध्यम से हम उसको वेरीफाई करते हैं और उनको बोलते जाइए कैश काउंटर में सौ रुपये जमा कीजिए सौ रुपये उठाइए फिर आपका जो अकाउंट है एक्टिव हो जाएगा तो इनऑपरेटिव अकाउंट का काम भी हो गया फिर आते हैं दूसरा काम डेफ अकाउंट क्लेम डेफ अकाउंट क्लेम बहुत थोड़ा जटिल काम होता है कैसे जटिल काम होता है देख लीजिए डेफ अकाउंट आप ये बैंकिंग अवेयरनेस में आपका काम आएगा डेफ अकाउंट का एक फुल फॉर्म होता है आप देख लीजिए दस साल से कोई अगर अकाउंट को यूज नहीं कर रहा है दस साल बाद आते हैं तो देखते हैं अकाउंट डेफ अकाउंट में हो गया डेफ अकाउंट क्या होता है मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करती हूँ आपको डेफ अकाउंट होता है अगर दस साल से कोई अपना अकाउंट को भूल गया है या फिर कोई बाहर चले गए एन आर आई है अपना अकाउंट जैसे है एज इट इज़ छोड़ के चले गए दस साल बाद आए उस पंद्रह साल बाद आए उनको याद आया कि मेरा तो अकाउंट था मैं बैंक में जाके चेक करती हूँ तो वो बोलते हैं डेफ अकाउंट डेफ अकाउंट होता है कि वो दस साल से ना करने पर वो फंड जो होते हैं वो चले जाते हैं आर बी आई के पास फिर वो जब क्लेम करने आते हैं हम लोग एक डेफ अकाउंट का जो भी फॉर्मेलिटीज है वो बन के उनका फंड जो है आर बी आई से लेके आते और उनको दे देते हैं ठीक है ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन अब थोड़ा फास्ट हो गया है पहले मेरा एक महीना लगता था डेफ अकाउंट को क्लियर करने में अभी दो तीन दिन में हो जाता है डेफ अकाउंट क्लियर ठीक है तो प्रोसेस जो है दिन दिन जितना जा रहे हैं बैंक के जो भी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया डेफ अकाउंट क्लियर उसके बाद क्या आते हैं थोड़ा ब्लॉकर का काम होते नॉमिनी करना होता है ठीक है और लॉकर का ज़्यादा कम नहीं करना होता है ठीक है जस्ट लॉकर में नॉमिनी करना या लॉकर के अकाउंट <laughs> खोलना इतना होता है कम एक एस डब्ल्यू ओ ए यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट को इतना ही करना होता है ठीक है तो ये सारे जो भी ऑपरेशंस का काम होता है पासबुक अपडेट भी आ जाते हैं उसमें हम तो पहले ही बोले हैं पासबुक अपडेट करना होता है ठीक है और आधार इंसर्ट करना होता है पैन इंसर्ट करना होता है फिफ्टीन से फिफ्टीन एज फॉर्म लेना होता है ठीक है मान लीजिए कि आपका कोई एफडीज है और उसमें टैक्स ताकि ना कटे इसलिए दोनों फॉर्म को हम लोग सबमिट कर लेते हैं ठीक है सिस्टम पे और एफ बनाते हैं आर बनाते हैं स्वेप अकाउंट क्रिएट करते हैं स्वेप अकाउंट आपको पता है अगर सेविंग्स अकाउंट में आप एफ का इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं आप बैंक में जाइए और बोलिए कि मुझे स्वेप अकाउंट स्वेप अकाउंट खोल दीजिए इससे क्या होगा आपका आपको अपने सेविंग्स से अकाउंट में ही पैसा रखेंगे और उसमें आपका एफ का इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है ये एक नॉलेज हो गया आपका आपके लिए या मैं भी नहीं जानती थी मुझे भी बैंक में जाने के बाद ही पता चले तो ये सारी काम जो है मैं करती हूँ ठीक है मैं कोशिश करती हूँ नया काम आए तो मैं उसको ना ना बोल दूँ कि मैं तो क्लर्क हूँ मैं ये नहीं करूँगी ऐसा टिपिकल क्लर्क नहीं बनना है आपको आप बहुत पढ़ के आए हो इस जगह पे तो आपको काम सीखना है और एक जगह पे नहीं रहना है तो आपको प्रमोशन भी लेना है ठीक है तो मैं नेक्स्ट ईयर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा पहला अटैम्प्टे वो निकल जाए और मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊँ अगर नहीं बन पाए तो नेक्स्ट ईयर फिर से बैठना पड़ेगा लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं उसमें क्लियर कर दूँ एग्जाम और ठीक है इतना ही और ठीक है आप अपना प्रिपरेशन जितना जो भी है जैसे भी है आप उसको सही ढंग से करते रहिए और अगर मिल जाता है तो ये सारे काम आपको करना पड़ेगा और अभी तो कुछ लोगों का डीवी भी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ इंडियन बैंक में जिन लोगों को मिला है मैं उन्हें स्पॉट कर ली हूँ वेस्ट बंगाल में और कुछ लोग मेरे टच में ही हैं सिक्सटी लोग तो मेरे टचेस में हैं कि मैं उन लोगों को गाइड भी कर रही हूँ डिवीज में कैसे जाना है क्या होता है डिवीज में वो लोग टेंशन में है हम लोग भी टेंशन में थे तो उनका टेंशन थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है मैंने और बस इतना ही आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू